हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ साबूदाना के पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने राजगिरा आटे का इस्तेमाल किया है। ये उपवास के दिन खाया जाता है। नॉर्मल दिनों में गेहूं का आटे के साथ ये पराठा बनाया जा सकता है। लेट्स मूव माय मस्त किचन टू प्रिपेयर साबूदाना के पराठा। साबूदाना के पराठा बनाने के लिए मैंने लिए है आधा कप साबूदाना, जिसे ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। और इसके साथ हम लेंगे एक बड़ा सा आलू, जिसे हम उबाल लेंगे, और इसके साथ एक हरी मिर्च, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब हम लेंगे आधा कप राजगिरा आटा। इस आटे को उपवास के दिन खाया जाता है। अगर ये पराठा आप नॉर्मल दिन में बना रहे हैं तो गेहूं के आटे के साथ भी ये पराठा बनाया जा सकता है। और इसके साथ हम लेंगे एक तिहाई कप मूंगफली, जिसे हम ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पीस लेंगे। और हम लेंगे दो बड़ी चम्मच धनिया पत्ता, जिसे हम चॉप कर लेंगे। और इसके साथ हम लेंगे हिमालयन पिंक सॉल्ट स्वाद अनुसार। इसके साथ हम लेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, जिसे हम ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा पीस लेंगे। इसे हम ओखली में पीस लेंगे। और हम लेंगे एक छोटी चम्मच काली मिर्च, इसे भी हम ओखली में पीस लेंगे। साबूदाना हमने भिगो लिए हैं और ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और इस आलू को मैंने प्रेशर कुकर में मीडियम फ्लेम पर दो व्हिसल्स तक कुक किए हैं। इसका छिलका निकल के हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल ले, इसमें ग्रेटेड आलू ऐड कर दे, भीगी हुई साबूदाना ऐड कर दे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी हम इसे डिस्कर्ड कर देंगे। अब हम ये मूंगफली पाउडर ऐड कर देंगे, इसे हम ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिए थे। ये जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दें, हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड कर दें। अब ये राजगिरा आटा ऐड कर दें। एक चम्मच से इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इस मिक्सचर से एक सॉफ्ट डो बना लें। ये देखिए दोस्तों, पराठे के लिए डो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें काटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे। धनिया पत्ते को आप बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ पहले भी ऐड कर सकते हैं। डो के साथ ये अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इसमें काटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दें। इसे भी आप बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ पहले ऐड कर सकते हैं। तो पराठे के लिए हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए पराठा बनाते हैं। हम मीडियम फ्लेम पर पैन चढ़ाएंगे और इसे गर्म होने देंगे। पराठे बेलने के लिए हम एक बटर पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर में थोड़ा सा घी ऐड करें और इसे ब्रश कर दे। हमें बटर पेपर को ग्रीस करना है। अब इस साबूदाने की डो से थोड़ा सा पोर्शन लेकर ग्रीस की हुई बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। ऐसे हाथों से बॉल बना ले, जैसे हम पराठा के लिए लोई बनाते हैं वैसे ही। अब इस लोई के ऊपर भी थोड़ा सा घी ऐड कर दे।
आप बटर पेपर को ऐसे फोल्ड कर लें और ऊपर से ऐसे उंगलियों से हल्का हल्का प्रेस करके पराठा बेल लें। ऐसी उंगलियों से हम एक गोल पराठा का शेप देंगे। आप बटर पेपर को धीरे से अनफोल्ड कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक पराठा बन गया है। पराठे को सेकने के लिए गरम तवा पर थोड़ा सा घी ऐड कर दें और घी को अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। अब बटर पेपर से पराठा को केयरफुली पैन पर ऐड कर दें, ऐसे। ये काम थोड़ा सा ध्यान से करें। पराठा का दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। हर एक साइड को लगभग 3 मिनट फ्राई करना पड़ता है। फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखे हैं। तो दोस्तों, हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। सारे पराठे हम ऐसे ही बेल लेंगे। पराठा को पैन में ऐड करने के बाद ऊपर वाला साइड में ऐसे घी ब्रश करके लगा सकते हैं। और अगर पराठा को बटर पेपर से डायरेक्ट पैन में डालना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे हाथ में निकाल लें। और अब पराठा को पैन में ऐड करें। और दोस्तों, इन पराठे को ऐसे बीच में छेद करके भी बनाते हैं। और इस छेद में थोड़ा सा घी ऐड कर दें और पराठे के ऊपर भी चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते रहें। ऐसे सेकने से पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ऐसे हम सारे पराठा बना लेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा गरम गरम साबूदाना की पराठा। इसे ब्रेकफास्ट में दही के साथ सर्व करें और बड़े सुकून से खाएं। दोस्तों, ये साबूदाने की पराठे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।